नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। बेरी गांव के प्राचीन मंदिर श्री कोटेश्वर पावन धाम पर कार्यक्रम का पूर्व सीडीओ ने किया उद्घाटन। जी हां, कुरारा विकास खंड क्षेत्र के बेरी गांव में प्राचीन मंदिर श्री कोटेश्वर पावन धाम पर चलने वाले 10 दिवसीय कार्यक्रम का आज शुभारंभ पूर्व सीडीओ अवधेश बहादुर एवं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ब्रह्म नारायण त्रिपाठी ने किया। क्षेत्र के बेरी गांव में श्री कोटेश्वर पावन मंदिर पर कलश यात्रा के साथ मेले का शुभारंभ हुआ। वहीं कलश यात्रा में पुरुष एवं महिलाओं ने कोटेश्वर मंदिर परिसर से बैतवा नदी संगम तक विशाल जल कलश यात्रा निकाली। मेले के उद्घाटन के मौके पर पूर्व सीडीओ एवं ग्राम प्रतिनिधि ब्रह्म नारायण त्रिपाठी एवं चौकी प्रभारी विवेक कुमार त्रिपाठी के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रथम दिवसीय कथा का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ हुआ, जिसमें कानपुर महानगर से आए कथावाचक पंडित अनूप कुमार पांडे ने श्रद्धालुओं को श्री रामचरितमानस का महत्व बताया। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कोटेश्वर मंदिर सेवा समिति तथा कार्यक्रम सहयोगी ब्रह्म नारायण त्रिपाठी, प्रमोद सिंह, भूपेन सिंह, हेमंत द्विवेदी, आदित्य नारायण, गुड्डू आचार्य जी आदि मौजूद रहे। कुरारा हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सुनील विश्वकर्मा की एक रिपोर्ट। ये कार्यक्रम जो है ये महाशिवरात्रि का कार्यक्रम है। सन 1993 में ये पहली बार यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन जो हुआ था उसको भव्य रूप प्रदान किया गया था। सन 1993 से लेकर के अब तक ये अनवरत जारी है और लगातार पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र के लोगों का सहयोग मिलता है। उनके सहयोग से यह कार्य पूरी तरीके से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होता है। कभी किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय समाचार नहीं हुआ, कभी नोक झोंक नहीं हुई। पूरे गांव का सहयोग रहता, पूरे क्षेत्र का सहयोग। आज भोले बाबा की प्रेरणा से और दानवेरी भूपेन तिवारी जी के सहयोग से ये अवसर मिला हमें। ये आज जो महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, शंकर भोले बाबा की बारात निकलती है 21 तारीख को, उसके मेले का शुभारम्भ आज यहाँ से हुआ है। आज यहाँ जल यात्रा का भी आयोजन हुआ। अभी जानकारी यह मिली है, यह इतना सिद्ध स्थान है बाबा का, यहाँ पर जो है किसी सही आदमी को गलत साबित करने की कोशिश की गई थी, तो उसको जो है बाबा ने बिना किसी नुकसान के आपके घोड़े को हाथ में रखने के बावजूद भी उस परीक्षा में पास कराया था।